हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? भाई साहब, सब लोग सोच रहे होंगे भाई साहब कहाँ का सीन दिखा रहे हो। कुछ लोग तो गेस कर चुके होंगे कि हाँ, ये जनकपुर का ही सीन है, क्योंकि वो जो शहीद स्मारक था वो वाला, और फिर उसके बाद जनकपुर का कुछ व्यू के अनुसार सब लोग को पता चला होगा। अभी भी आप लोग हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हो कि ये जनकपुर ही है। तो भाई साहब, फाइनली हम जनकपुर आ गए। काफ़ी दिनों से सब लोग का सवाल आ रहा था कि भैया जनकपुर कब आ रहे हो, तो फाइनली आ गए। और क्यों आए हैं तो वो हमसे नहीं, कैमरा मैन से जानिए। तो ये रही हमारी कैमरामैन। तो कैमरामैन क्या करने आए बताओ? हम लाइसेंस लेने आए हैं। क्या चीज का लाइसेंस? आपको क्या चीज का लाइसेंस का जरूरत अभी वही टीचर का। है? तो बेसिकली इसने लाइसेंस का एग्जाम दिया था, मतलब नीवा भी का जो टीचर का लाइसेंस होता है उसी का एग्जाम दिया था। और इस कैसे कैसे ये पास कर गई मुझे भी नहीं पता। बहुत मुश्किल से पास किए। कुछ मुश्किल नहीं है, इसके जैसे 4 लोग पास हुए। तो कोई फाइनली नहीं हुआ है, वही कोई नहीं हुआ है। तो फाइनली वो लाइसेंस लेने हम आए थे। तो लाइसेंस अभी लेने जाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा खाना वगैरह खा ले। और पीछे आप लोग जनकपुर का व्यू देख सकते हो, ये पूरा व्यू एंजॉय करते हैं। उसके बाद लाइसेंस वगैरह निकालेंगे और उसके बाद घर। तो फिलहाल के लिए खाना एंजॉय करते हैं, थकाली खाना। खाना आने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है और वो भूखी बुक्कड़ कैसे खा रही है, मुझे बोला भी नहीं कि खाते हैं बोल के। देख लो, खाना बहुत टेस्टी है। तो खाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद निकलते हैं कहाँ, तो जानकी मंदिर। तो चलो एंजॉय करो। खुशी देख रहे हो, खुशी। फाइनली मिल गया ना, इसके लिए इतना दूर आए थे हम। अब हमको कहाँ जाना है? जनकपुर, जानकी मंदिर। जानकी मंदिर चल, अभी चलते हैं फिर से जनकपुर। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं जनकपुर मंदिर में। खाना साना हो गया, उसके बाद अब एंट्री करते हैं। और ओ माय गॉड, आप लोग यहाँ का बाहर का व्यू आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया आ रहा है। बाकी इसके बाद मैं ड्रोन शॉट दिखाऊंगा, वो अलग है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बाहर का आउटलुक एंजॉय करो। अभी अभी मैंने मैम से परमिशन ले लिया ड्रोन उड़ाने का, तो अब चलते हैं। पहली बात, ड्रोन लेने के बाद हर जगह पर एक मतलब परमिशन लेना ही पड़ता है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि बिना परमिशन लेने कहीं भी ड्रोन मत उड़ाना। मैंने अभी अभी मैम से पूछा, मैम ने बोल दिया कि हाँ उड़ा सकते हो, बस ज़्यादा देर मत उड़ाना, 10-12 मिनट, तो तब तक उड़ाते हैं। चलो एंजॉय करो आप ड्रोन शॉट। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी व्यू देखा, वो जनकपुर का ऊपर का व्यू था। और अभी थोड़ा सा आप लोगों को जनकपुर का मतलब कुछ यहाँ का जो है कल्चर वगैरह वो सब समझाने की कोशिश करेंगे। अभी अभी एक बाबा मिले, तो वो उन्होंने बोला कि आप तो ये बाबा से बात करी, तो बात करते हैं। ये मैं बोलूँगा जे कि यहाँ से जनकपुर में होता है ना ब्याह पंजी मेला में मनाया जाता है, कि बाल विवाह में वहाँ सब होता है, बदयाती के साथ सजावट पूरा एकदम, धनुष उनुष होता है सब कुछ वही जगह होता है। और वहाँ मानीपाल भी पिरारी गांव पड़ता है 5 किलोमीटर वहाँ से, दरअसल का सीता मंडप वही हुआ हुआ है, जो धनुष जो टूटा हुआ रहा। यहाँ से धनुष जो टूटा है तो 3 टुकड़ा होके, एगो ढोंसा धाम गया, एगो धनुष क्षेत्र पोखरी गया राम मंदिर के साइड में,
और वहाँ गंगा सागर है, भूतनाथ मंदिर है, सब उसी जगह पर है। जानकी जी के मंदिर कोई जमाना में जो हम लोग के बाप दादा का जन्म भी नहीं हुआ होगा, कोई पीकमगंज के रानी बनाया हुआ है, समझे कि नहीं। मगर यहाँ सीता मैया की राजा जनक जी सीतामढ़ी से जन्मभूमि है, वहाँ से लाकर स्थापन किए हुए हैं, समझे कि नहीं, इतना तक जो हम जान रहे हैं। तो गाइस जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने बाबा से सुना और उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की, कुछ बातें जो बोल रहे हैं कि इतना देर में हम नहीं समझा पाए, लेकिन फिर भी हमने जितना जाना उतना काफ़ी है। और अभी अंदर का व्यू देख सकते हो, ऊपर से व्यू तो अलग था, लेकिन अभी अंदर से व्यू आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया आ रहा है। और देखते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम जनकपुर मंदिर में भीतर आ रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। अभी अभी दो टिकट लेना पड़ा और दो टिकट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग डेमो देख सकते हो। कल्चरल म्यूजियम, तो चलते हैं देखते हैं यहाँ भी, तो चलते हैं अंदर देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर तुलसी जी द्वारा रामायण वाचन, ये आप लोग यहाँ का ये सब देख सकते हो निकालते हुए साक्षी शब्द। मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग देखना सुने ना माता जी करो। महाराजा जी जनक जी द्वारा जी खिला दे, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सीताराम दीवा, तो अभी हम आ चुके हैं राम मंदिर, राम मंदिर भी जाते हैं। खूबसूरत लग रहा है भाई साहब, क्या यहाँ पे जूते खोलने पड़ेंगे कि नहीं। जय बजरंगबली। अभी हम आके बैठे हैं राम मंदिर के आगे, और यहाँ से जो ये सारा व्यू है, ये सारा व्यू हम कैप्चर करने वाले हैं अपने ड्रोन से। तो चलो फिर से ड्रोन शॉट एंजॉय करो, अभी तो ड्रोन शॉट एंजॉय करते रहो आप लोग। कौआ बी लाइक, तू हमारा पग तोड़ा, हम तुम्हारा पग तोड़ देंगे। लेवल के किसी आई लाजना। तो गाइस पता नहीं कि ड्रोन में क्या हुआ, इसका फोटेज ही नहीं आ रहा है इधर का, और क्यों नहीं आ रहा है मुझे भी नहीं पता। दो दो बार मैंने ट्राई कर लिया लेकिन नहीं आ रहा है, तो अब इसको पैक करते हैं और बस चलते हैं। तो गाइस ड्रोन शॉट तो नहीं ले पाए, लेकिन मोबाइल से ही शूट लिए, और वो शूट वो ली, तो सारा क्रेडिट इसको जाता है, तो सब लोग बोल।
तो अब फाइनली इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया। बहुत सारी जनकपुर में चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको फील हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमने देखा भी, और बाकी बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई है, तो छूट गई है उसको तो दूसरे वाले ब्लॉग में हम कैप्चर कर ही लेंगे। तो फिलहाल के लिए क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा चलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। उस घंटा घर की कसम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय, सी यू, टाटा, बाय, हाफिज़, अस्सलाम।